खंड बट्टुकला पंचायत समिति व पंचों के लिए हुआ ड्रा एसडीएम की देखरेख में ड्रा निकाला गया। इस ड्रा के संबंध में देखें पूरी रिपोर्ट पत्रकार सुरेश सोलंकी के साथ सूचना पल पल भट्टू में। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय भट्टुकला में एसडीएम के नेतृत्व में ब्लॉक समिति व पंचों का निकाला गया ड्रा। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय भट्टुकला में एसडीएम कुलभूषण बंसल के नेतृत्व में बुधवार को ब्लॉक समिति सदस्य व ग्राम पंचायतों के लिए ड्रा निकाला गया। इस दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। भट्टू खंड के पंचायत समिति के 21 वार्डों के निकाले गए ड्रा के अनुसार वार्ड संख्या 3 व 7 अनुसूचित जाति पुरुष, 5 व 14 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किए हैं। वार्ड संख्या 1 पिछड़ा वर्ग ए पुरुष वर्ग, वार्ड संख्या 20 पिछड़ा वर्ग ए महिला के लिए आरक्षित हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड पुरुष वर्ग के वार्ड संख्या 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 शामिल हैं। वहीं महिला वर्ग के लिए वार्ड संख्या 2, 6, 9, 11, 13, 16, 18 होंगे। वहीं पंचों के लिए निकाले गए ड्रा के अनुसार गांव बन मंदोरी में कुल 13 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 8 अनुसूचित जाति, वार्ड संख्या 11 अनुसूचित जाति महिला वर्ग, वार्ड संख्या 2 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष व 1, 3, 5, 7, 10, 13 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 4, 6, 9 व 12 होंगे। गांव बनावाली में कुल 12 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 7 व 12 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 11 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 2 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 8, 10 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 4, 6, 9 होंगे। गांव भट्टुकला में कुल 20 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 1, 17 और 20 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 7 व 18 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 19 पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16 होंगे। गांव भट्टू मंडी में कुल 18 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 3 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 4 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 6 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18 होंगे। गांव बोद्देवाले में कुल 12 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 7, 10 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 8 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 6 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 9, 12 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 11 होंगे। गांव दैयड़ में कुल 13 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 9, 11 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 10 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 2 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 7, 12 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 4, 6, 8, 13 होंगे। गांव ढाबीकला में कुल 14 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 3, 5 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 4 व 12 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 6 पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 8, 10, 13 शामिल हैं और महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 7, 9, 11, 14 होंगे। गांव ढाबी खुर्द में कुल 10 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 5, 7 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 6 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 10 पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 8 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 9 होंगे। ये सभी पंचों के ड्रा बताए जा रहे हैं। गांव ढांड में कुल 15 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 4, 9 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 8 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड संख्या 2 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित वर्ग में 1, 3, 6, 10, 12, 14 शामिल हैं, महिला वर्ग के लिए वार्ड
5, 7, 11, 13, 15 होंगे। गांव ढाणी चानराम में कुल 8 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 5 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 4 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 6, 8 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 2 व 7 होंगे। गांव ढिंगसरा में कुल 16 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 1, 8 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 5, 13 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 3 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 2, 4, 7, 10, 12, 15 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 6, 9, 11, 14, 16 होंगे। गांव गदली में कुल 7 वार्ड हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 7 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 6 होंगे। गांव जांडवाड़ा बागड़ में कुल 13 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 2, 5 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 4 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 1 पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 6, 8, 10, 12 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 3, 7, 9, 11, 13 होंगे। गांव खाबड़ा कला में कुल 16 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 6, 11 अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग, संख्या 10, 12 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 14 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 8, 13, 15 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 7, 9, 16 होंगे। गांव केडान में कुल 19 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 6, 8 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 7 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 17 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए 2, 4, 9, 11, 13, 15, 19 होंगे। कुकड़ावाड़ी में कुल 11 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 5 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 6 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 8 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 7, 9, 11 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 10 होंगे। मेहूवाला में कुल 18 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 3, 6 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 4 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 2 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए 7, 9, 11, 13, 15, 17 होंगे। गांव पीली मंदोरी में कुल 19 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 5 व 7 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 16 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 13 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 7, 9, 11, 15, 19 होंगे। गांव रामसरा में कुल 13 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 1, 8 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 2 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 5 पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 7, 3, 10, 12 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 4, 6, 9, 11, 13 होंगे। गांव सरोदपुर में 10 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 10 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 7 पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 9 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 6, 8 होंगे। गांव शेखपुर डरोली में कुल 13 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 8 अनुसूचित जाति पुरुष, वार्ड संख्या 9 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 11 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 7, 13 शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4, 6, 10, 12 होंगे। गांव केढ़ान में कुल 7 वार्ड हैं, जिनमें वार्ड संख्या 7 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 6 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 2, 4 होंगे। गांव सुलखेड़ा में कुल 9 वार्ड हैं,
जिनमें वार्ड संख्या 8 अनुसूचित जाति महिला के लिए, वार्ड संख्या 2 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 1, 3, 5, 7 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 4, 6, 9 होंगे। गाँव ठुइयां में कुल 10 वार्ड हैं जिनमें वार्ड संख्या 1, 5 अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग, वार्ड संख्या 4 अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 3 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में अनारक्षित पुरुष वर्ग में 2, 6, 8, 10 शामिल हैं। महिला वर्ग के लिए वार्ड 7 व 9 होंगे। सभी जानकारी हालांकि पूरी डिटेल के साथ लेकर दी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चूक हो तो इस केस के बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। पूरी रिपोर्ट पत्रकार सुरेश सोलंकी द्वारा।